तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबों की पढ़ाई। आशा करते हैं अब आपकी पढ़ाई पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आपकी पढ़ाई की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज हो चुकी होगी। अब आप अपने स्टडी को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुए होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 9 मार्च को आपके SSC बोर्ड ने आपके SSC CGL का एग्ज़ाम का जो डेट था वो अनाउंस कर दिया। तो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होने के बाद अब आप ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे। और हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप सब लोग ज़रूर से देख रहे होंगे और उससे काफ़ी बेनिफिटेड अपने आप को फील कर रहे होंगे, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, करंट अफेयर्स हो, सभी सब्जेक्ट में आप हम लोगों के पहले के वीडियोस को देखे होंगे। लगातार उसमें कंटिन्यूटी आप अपनी बनाए होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी स्मूथली बन पा रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स थे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में या किसी भी चैप्टर के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, जहाँ तक हम लोगों ने अब तक आप सबों को पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है, लेकिन जो भी अभी हम लोगों का बचा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सबों को हम लोग विद इन टाइम मार्च में प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें हम लोग कवर करा दें, ठीक है। चलिए तो अब इसके आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो अपने SSC CGL और CHSL दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। टीयर वन में तो ये आता ही है। यदि हम CGL की बात करें तो CGL टीयर टू में इससे 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, तो ये टॉपिक है हमारा नरेशन। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, नरेशन, ठीक है। नरेशन को भी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और चलेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है, जितना अपने टीयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टीयर टू के लिए थोड़ा सा और आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है हर टॉपिक को, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चूँकि हम लोगों के काफ़ी नज़दीक आ चुका है SSC CGL टीयर वन का एग्ज़ाम, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नरेशन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो नरेशन में हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे, सभी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत होती है नरेशन को सीखने के लिए। नरेशन में कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को या जिस पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC के, उस पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ सॉल्व भी करते चलेंगे। तो पहले फाउंडेशन लेवल से सीखेंगे, उसके बाद फटाफट आप देखेंगे क्वेश्चन कितने आसान तरीके से लगेगा। जैसे इसके पहले आपने यदि हमसे वॉइस पढ़ा हो या हमारे वॉइस का वीडियो देखा हो तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वॉइस का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते ही एकदम विद इन सेकेंड हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग नरेशन के क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करना सीखेंगे और नरेशन के सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग विद इन सेकेंड्स बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब इसके आगे हम आपको बताते चलें कि हम लोगों का ये जो वीडियो है अब आपको 3 टाइम स्लॉट में अवेलेबल है। पहला दिन के 12 बजे, दूसरा 2:30 बजे और तीसरा शाम के 5 बजे। इंग्लिश के वीडियो की यदि हम बात करें तो इंग्लिश का वीडियो आपको मंडे टू फ्राइडे में 5 दिन अवेलेबल होता है शाम के 5 बजे, ठीक है। तो अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें और कोई भी वीडियो मिस न करें, क्योंकि हर एक नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हम आपको और कुछ बताते चले, मंडे टू फ्राइडे में हम लोग आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया होता है, तो क्लास का PDF नोट्स तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ जहाँ तक भी आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया होता है मंडे टू फ्राइडे में, उन सभी पर बेस्ड एवरी संडे आपको प्रैक्टिस शीट हम लोग अवेलेबल करवाते हैं,
ठीक है। और ये पीडीएफ और ये जो प्रैक्टिस शीट है, ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं कहाँ पे? तो हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। तो हमारे वेबसाइट या ऐप दोनों में से आपको जहाँ कहीं भी अच्छा लगे वहाँ जाकर अपना मोबाइल नंबर पुट करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाइए, और वेरीफाई करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट खुद को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आप चले जाइए हमारे एसएससी वाले सेक्शन में। एसएससी वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के, एसएससी के सारे सब्जेक्ट के सारे क्लास नोट्स, सारे प्रैक्टिस शीट, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्ज इंक्लूड नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले अब हम लोग शुरुआत करते हैं नरेशन। तो नरेशन क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझें नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखिए, नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्टेटमेंट, कथन। नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। अब ये कथन दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं और अपने किसी दोस्त से कहते हैं अजीत सर ने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। देखिए, हमने जैसा कहा आपने वैसा ही अपने दोस्त से जाके रिपीट कर दिया। तो यदि किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए हुए एज इट इज़ सेम रिपीट कर दिया जाए, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट नरेशन। बात समझ में आ रही है, या डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आप दूसरे तरीके से भी उसी मित्र को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? दूसरा तरीका आपका हो सकता है अजीत सर ने कहा कि वो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? तो अब मैं की जगह आपने वो का यूज़ कर दिया, मैं की जगह आपने क्या यूज़ कर लिया, वो का यूज़ कर लिया। अर्थात आपने सेंटेंस का जो मीनिंग था, जो टोन था, जो कंटेंट था, सब कुछ सेम रखा, कुछ शब्दों का परिवर्तन आपने कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कुछ शब्दों में परिवर्तित करके किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को कहीं बताया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आई? इसकी ज़रूरत क्यों है भाई? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़रूरत या नरेशन की ज़रूरत क्यों है? तो किसी की बात को बताने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब दो तरीके से बात को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नरेशन का इंट्रो। अब नरेशन के इंट्रो के बाद आइए हम लोग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और देखें कि हम लोगों को क्या क्या इसमें सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा टॉपिक है नरेशन। अब नरेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनको पहचानना काफ़ी आसान होता है। कैसे पहचानेंगे इनको? पहचानना काफ़ी आसान है। कैसे आसान है? तो ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। यदि कहीं भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके का सेंटेंस दिखाई दे, तो ऐसे ही सेंटेंस को, ऐसे ही स्टेटमेंट को, ऐसे ही नरेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए डबल इन्वर्टेड नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे स्पीच को, ऐसे नरेशन को, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये था हमारा इंट्रो कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनके आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर हम लोगों को एक स्टेटमेंट है, ही सेज टू हर आई लाइक योर सिस्टर, ठीक है। ये भी क्या है, ऊपर वाले में डबल इन्वर्टेड लगा हुआ है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट है, नीचे वाले में डबल इन्वर्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कुछ चीज़ें सेम है। क्या सेम है? तो ये देखिए, ही एज इट इज सेम है, ये हर जैसा था वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए, ये लाइक जैसा था लाइक वैसा ही है, केवल इसमें सी एस लग गया है। सिस्टर जैसा था वैसा ही है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जैसे ये देखिए, योर चेंज कर गया किस में, हर में। आई चेंज कर गया यहाँ से किस में, ही में। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा था ये गायब हो गया, ये चेंज कर गया किस में, दैट में। ये टू रिमूव हो गया, ये सेज किस में कन्वर्ट कर गया, टेल्स में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज कर रही है, ठीक है। अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, फिर लौटेंगे संभवतः हम लोग पीछे। यहाँ पे देखें,
यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? तो इसके पहले ये जो हम लोगों ने दो सेंटेंसेस यहाँ पे देखा, ये दोनों ही सेंटेंसेस देखिए किस में लिखा हुआ है, सेज। सेज क्या है? तो ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये क्या है? तो ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, इसका टेंस क्या होता है? तो इसका टेंस होता है प्रेजेंट, ठीक है। और यदि ये सिंगल वर्ब हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात इसका टेंस क्या है? तो इसका है प्रेजेंट। कम से कम प्रेजेंट आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा सेंटेंस था, इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेज। तो ये जो सेज है, ये भी क्या है? ये भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात इसका भी टेंस क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसमें ये सेड क्या है? तो ये सेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है भाई? तो ये होता है, इसका टेंस होता है पास्ट। इसका टेंस क्या हो गया? पास्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज कर रही है। ये सेड देखिए टोल्ड में चेंज कर गया, ये टू रिमूव हो गया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज कर गया? दैट में। अब ये देखिए, ये पर्सन तो चेंज करता ही था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, आई को हम लोगों ने ही में कन्वर्ट किया था, ठीक है। योर को हम लोगों ने हर में कन्वर्ट किया था, सिस्टर जैसे था वैसे ही है, सिस्टर जैसे था वैसे ही है। तो जो चेंज कर रहा है अभी, हम सिर्फ उसी को यहाँ पे लिखने का और समझाने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर नाउ किस में चेंज कर गया? देन में चेंज कर गया, ठीक है। लाइक किस में चेंज कर गया? लाइक्ड में चेंज कर गया। तो अब इन तीनों ही स्लाइड को, इन तीनों ही स्लाइड को जिसको अब तक हम लोगों ने देखा, यहाँ से यदि हम लोग इसको कंक्लूड करना चाहें, इसका निष्कर्ष यदि हम लोग निकालना चाहें, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अब जो निष्कर्ष यहाँ पे बता रहे हैं, इसको आप सब लोग कॉपी में नोट करते चले, लिखते चले, समझते चले। अब यहाँ से देखिए इसका क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस हम लोगों को गिवन है। कितने प्रकार के? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पे हम लोगों को दो टाइप के सेंटेंस गिवन है। कौन कौन सा भाई? तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। नहीं, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो क्या गिवन है? तो एक सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। एक सेंटेंस हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। दूसरा कहाँ है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ये इसके लेफ्ट साइड में हो सकता है, इसके पहले लिखा हुआ हो सकता है, इसके बाद भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। जैसे ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है डायरेक्ट का, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे पैटर्न में। जैसे इसको हम दूसरे पैटर्न में दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आई लाइक योर सिस्टर, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ही सेज टू हर। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है आई लाइक योर सिस्टर, ये सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कॉमा देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेज ही टू हर। ये दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। हम इसी बात को, ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर में, इसी को इन दो और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट को लिखने के ये टोटल तीन तरीके हो गए। ये तीनों ही तरीके आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग यहाँ से सीखते हुए चलेंगे, जीरो लेवल से, एकदम फाउंडेशन लेवल से, एकदम स्टेप वाइज स्टेप हम आपको आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। डायरेक्ट को लिखने के ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, ये टोटल तीन तरीके हैं। लेकिन इनडायरेक्ट को हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है? तो हम लोगों को सीखने को मिलता है कि वो सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होता है, वो सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या है भाई? तो गार्ड है। क्या है? गार्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब गार्ड कहाँ रहता है? तो गेट के बाहर, गेट पे रहता है, ठीक है। बिल्डिंग के बाहर रहेगा, गेट के पास खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये चौकीदार है। अब इसके अंदर क्या रहेगा? तो ये अंदर घर वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ये है घर वाली और ये है बाहर वाली, या ये है घर वाला, ये है बाहर वाला, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए होता क्या है कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है।
ये सबसे पहले हम लोग इसको ठीक से समझें कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इस रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले या ठीक बाद में, ये देखें यहाँ पे ठीक पहले लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक पहले लिखा हुआ है, ठीक पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है इसके मेन वर्ब को, किसको? मेन वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, यदि इसको हम लोग इस दूसरे तरीके के पैटर्न में लिखें, सेकेंड मेथड से लिखें, तो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरे मेथड में लिखें तो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है? इसका मेन वर्ब है। तो अब इसको थोड़ा सा फिर से हम आपको समझाते चलें कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे RS। क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग बोला करेंगे RS। अब RS का मीनिंग आप में से कुछ बच्चे दूसरा भी समझ लेते हैं, तो वो दूसरा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी जिनको समझना है वो समझिए, मज़ा लेते रहिए ज़िंदगी का। अब देखें ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग लिखा करेंगे, बोला करेंगे RV। क्या बोलेंगे? RV, ठीक है। तो RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से हम लोगों को सीखने को क्या मिल रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज कर रही है। क्या क्या चेंज कर रही है भाई? तो सबसे पहले ये देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब से इसे कहाँ चेंज कर गया? टेल में। डबल इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर गया किस में? दैट में। अब फिर देखिए ये आई क्या था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का टेबल आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन में प्रोनाउन का टेबल आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ चेंज कर गया। यू क्या था? सेकेंड पर्सन, ये देखिए सेकेंड पर्सन यहाँ चेंज कर गया, ठीक है। आगे जब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए इस थर्ड वाले स्लाइड में यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर गया, टू रिमूव हो जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर गया, पर्सन तो चेंज करता ही है, ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, देखिए दोनों का पर्सन चेंज कर गया। इसके अलावा ये लाइक क्या था? तो लाइक क्या है भाई? तो लाइक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इसका टेंस क्या है? तो इसका टेंस है प्रेजेंट। इसका टेंस देखिए यहाँ पे क्या हो गया? तो ये V1 से कन्वर्ट करके V2 में, सेकंड फॉर्म में, अर्थात ये प्रेजेंट से कन्वर्ट हो गया पास्ट में, ठीक है। और ये देखिए कुछ अदर स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, सर्टेन या स्पेसिफिक वर्ड हैं, ये भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिखते चले, नोट करते चले, क्या क्या चेंज कर रहा है हम सबको यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। आप साथ साथ इसको लिखते चलें, समझते चलें। पहला चीज़ क्या चेंज कर रहा है भाई? तो सबसे पहले चेंज करता है RV, RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो बाहर वाला या बाहर वाली, ठीक है। तो बाहर वाली बदलती है भाई, ठीक है। अब अंदर जब हम लोग चलते हैं, घर में जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि पर्सन चेंज करता है। क्या चेंज करता है? तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन चेंज करता है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये दोनों चेंज करते हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को? तो तीसरा चीज़ हम लोगों को जो कॉमन है, जहाँ जो सब जगह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये चेंज करता है, ठीक है। ये तीन बातें हो गई, अब इनको हम मिटाएंगे, इनके बाद लिखेंगे और क्या क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए और क्या क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो अब तक ये जो तीन स्लाइड हम लोगों ने देखा, इसके अकॉर्डिंग चौथा चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि घर वाली का टेंस भी चेंज करता है। क्या चेंज कर रहा है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसका टेंस भी चेंज करता है। किसका ये टेंस किसका चेंज कर रहा है? ये RS का चेंज कर रहा है। किसका टेंस? RS का। बात समझ में आ रही है? पांचवा चीज़ क्या चेंज कर रहा है भाई? तो सर्टेन या स्पेसिफिक वर्ड है, सर्टेन या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ये भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड कहाँ के चेंज कर रहे हैं? तो ये भी RS के। किसके? घर वाले के, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये पांच चीज़ें चेंज कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि और हम लोगों को नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए और किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब बोर्ड को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लें।
क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए नरेशन, यदि आप चाहते हैं कि आपका एकदम से स्मूथ हो, नरेशन के क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आपसे बने और आप सब उसे बनेंगे भी, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका ठीक हो, तो दो चीज़ें अच्छी होनी बेहद ज़रूरी है। पहला, प्रोनाउन का टेबल आपको याद होना चाहिए। दूसरा, टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम आपको यहाँ से प्रोनाउन का टेबल दिखाते चले। ये देखिए, ये प्रोनाउन का टेबल है जो हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है। प्रोनाउन में भी इसको हमने पढ़ाया था और आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको बचपन से भी जानते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश ज़्यादा वीक होगी या बहुत ज़्यादा वीक होगी, ठीक है, ऐसे बच्चों को इन टेबल को याद करने की ज़रूरत है। और हाँ, हम आपको बताते चले, अब तक यदि ये आपको याद नहीं है तो अब आप इसका यूज़ करेंगे कैसे। और चूंकि हम इसका यूज़ करके निकल जाएंगे, नरेशन का हर एक क्वेश्चन इस टेबल का यूज़ करके बनता है। नरेशन का हर एक क्वेश्चन बिना इस टेबल का यूज़ किए हुए नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी को कन्वर्ट करने में आपको होता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसी तरीके से आई माई माइन मी, ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हमने अभी आपको पढ़ के सुना है वैसे ही आपको याद रखना है। अब आप में से कुछ बच्चे बचपन से इसको इस तरीके से याद किए हुए हैं, क्योंकि बुक में हम लोगों को इसी फॉर्मेट को देखने को मिलता है, आई मी और फिर यहाँ लिखा होता है माई ऑब्लिक माइन या माइन ऑब्लिक माई, इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, जो पहला कॉलम है ये सब्जेक्टिव केस, इसका यूज़ करते हम लोग वर्ब के पहले, ठीक है, ये कहा था, ये वर्ब के पहले दिखाई पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस, ये हमेशा दिखाई पड़ेगा वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। अब फिर ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो सेकंड कॉलम है ये हमेशा रहेगा नाउन के साथ। ये जो थर्ड कॉलम है ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये कभी भी नाउन के साथ नहीं रहेगा, ये विदाउट नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो आई और वी है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और इस यू को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन। आई और वी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यू को कहते हैं सेकंड पर्सन। और इन तीन वर्ड को, आई वी और यू, इन तीन वर्ड्स को यदि हम लोग छोड़ दें, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी नाउन या प्रोनाउन है सब के सब होते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहलाते हैं, तो सब के सब कहलाते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें अच्छी बात यह है कि थर्ड पर्सन में एक ही वर्ड है जो प्लूरल होता है, और वो कौन सा है, दे, ठीक है। जैसे प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर नंबर लिविंग के लिए, सिंगुलर नंबर लिविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही फैमिली, ये ही, हिज, हिज, हिम, ठीक है। सिंगुलर नंबर लिविंग फीमेल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सी, हर, हर्स एंड हर, अर्थात सी फैमिली। सिंगुलर नंबर नॉन लिविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट फैमिली, इट, इट्स, और यहाँ पे इट, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि प्लूरल हो, लेकिन यदि प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, क्या है वो लिविंग हो अथवा नॉन लिविंग हो, सबके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं दे फैमिली, दे, देयर, देयर्स एंड देम, ठीक है, बात समझ में आई। सेकंड पर्सन एक ही है, यू, योर, योर्स एंड यू। फर्स्ट पर्सन में दो है, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, ठीक है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। अब ऐसे बच्चे जिनको अब तक ये टेबल याद नहीं हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये टेबल अभी तक याद नहीं हो, ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम जब भी कभी आपको नरेशन पढ़ाएंगे, जब भी कभी आप नरेशन को कहीं भी सॉल्व करने के लिए बैठिएगा, ठीक है, किसी भी बुक से, किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को उठा के बना सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन को लेकर बना रहे होंगे नरेशन के क्वेश्चन को, तो आपके पास दो चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। यदि ये टेबल याद नहीं है तो, टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो, इन दोनों को अलग से पेज में लिख के आप रख लेंगे, ठीक है। पेज हाथ में ऐसे रख लीजिएगा या आसपास कहीं ऐसे तीन पेज खोल के आप रख लीजिएगा, जिसमें एक में टेंस का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरे में ये प्रोनाउन का टेबल होना चाहिए। तो अभी हम जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन में हम इस टेबल को आपके साथ सामने रख के सॉल्व करेंगे, ताकि आप सीख पाएं कि कैसे इस टेबल का यूज़ करके हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिश पहले से ठीक ठाक है, एवरेज है या एवरेज से भी अच्छी है, उनको इस टेबल को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है, बट उनको भी कभी कभी समस्या होती है, कहाँ पर, टेंस में, और टेंस में ऐसे कई बच्चे जाके गड़बड़ कर देते हैं।
तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए, याद नहीं हो तो इनको अलग से कागज़ पर लिख के रख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस टेबल को लिख के रख लीजिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए, ये टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्रांसलेशन में हम सबों को बचपन से पढ़ने थे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ना था, इंग्लिश मीडियम में ये स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ना था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों का आदत बना हुआ है बचपन से सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये V1 या V5 का सीधा मतलब क्या होता है, V1 V5 का मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट, ठीक है। टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो टेंस पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि टेंस में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ते हैं। वॉइस में क्या पढ़ते हैं भाई, तो वॉइस में टेंस का जो फॉर्म है वो चेंज करता है, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में नहीं होता, एक्टिव और पैसिव सिर्फ और सिर्फ बनता है किसका, वर्ब का। नरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो नरेशन में इन सबों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे स्टेटमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे टेंस को भी हम लोग पढ़ते हैं, पर्सन को भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को भी चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी चेंज करते हैं, सबको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जितना हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड तो रहता ही है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता। आपको बेसिकली कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे आपका एरर बनता कहाँ है, यहीं पे बनता है। तो ये जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट है ये सब आपको याद होने चाहिए, और यदि ये आपको याद नहीं हो तो आप फिर से, हम आपको बता रहे हैं कि इसको भी अलग से पेज पर लिख के आप रख लीजिए। तो ये था प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, और सिमिलरली यहाँ देखिए पास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको ये सारी बातें याद रखनी होगी। अब आप में से कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन आ सकता है, सर डू डज डिड कहाँ चला गया। भाई देखें, ये जो पास्ट इंडिफरेंट है इसी में हम लोग यूज़ करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके पहले ये जो हम लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट पढ़ रहे थे यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं डू डज, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही हम लोग पढ़ते हैं डू या डज। इसके साथ क्या आता है, तो इसके साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है, या तो इसको याद कर लीजिए, इसके साथ इसको भी याद कर लीजिए, प्रेजेंट इंडिफरेंट में और पास्ट इंडिफरेंट में, ऐसा आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइन पार्ट को आप याद रखेंगे। इनके अलावा आपको और कुछ भी स्ट्रक्चर में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा गेम इसी का है। और सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम लोग फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर इंडिफरेंट के लिए इसको याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आपको इसको याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको इसको याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको इसको याद रखना होता है, ठीक है। ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म तक, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी, और यहाँ तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। वंस अगेन हम रिपीट करते रहे, यदि किसी को प्रोनाउन का टेबल याद नहीं हो, आप में से यदि किसी बच्चे को प्रोनाउन का टेबल याद नहीं हो तो प्रोनाउन का टेबल लिख लीजिए, टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं हो, दोनों याद नहीं हो तो इन सबों को आप अलग से पेज पे रख लिख के रख लीजिए, और तब उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हम आपको सिखाना शुरू करेंगे कैसे चेंज होता है, क्या क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए लेफ्ट साइड में हमने आपके सामने ये टेबल खोल रखा है, ताकि यहाँ पे हर इस क्वेश्चन में हम आपको दिखाते चलेंगे कि देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए चेंज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बोर्ड का यूज़ करते हैं, और बोर्ड पे हम लोग सीखें कि क्या क्या हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज देखने को मिल रहा था, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोगों को, रिपोर्टिंग वर्ब यानी RV में हम लोगों को क्या चेंज देखने को मिल रहा था, तो चेंज इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। यदि से लिखा हुआ हो तो से को हम लोग नॉर्मली चेंज करते हैं टेल में, नॉर्मली सामान्य तौर पे, यूजुअली, ठीक है, न कि ऑलवेज। ऐसा ऑलवेज इंग्लिश में कुछ भी होता नहीं है, तो से को सामान्य तौर पे चेंज करते हैं टेल में। यदि यहाँ पे सेज लिखा हुआ हो तो सेज को हम लोग चेंज करते हैं टेल्स में, सेज को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। और यदि यहाँ पे हम लोगों को सेड लिखा हुआ दिखाई दे तो सेड को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड में, सेड को किस में, टोल्ड में चेंज करते हैं, से को टेल में, से को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। क्लियर, यहाँ तक बातें आशा करते हैं कि आपसे क्लियर हो रही होगी। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या हम लोगों को चेंज देखने को मिलता है।
तो और हम लोगों को फिलहाल जो चेंज देखने को मिलता है वो एक रूल है SON, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज देखने को मिलता है। अब ये SON क्या है भाई, अब ये SON सन, सन मीन्स होता है बेटा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए इसको ठीक से समझना है हम लोगों को, जैसा लिखा जाता है वैसा होता नहीं, होता उसके रिवर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है S1, यहाँ आपको पढ़ने को मिलता है O2, यहाँ आपको पढ़ने को मिलता है N3, ठीक है। अब S1 क्या है, तो बुक के अकॉर्डिंग, पहले बुक वाली हम बात आपसे कर लें, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाएंगे। S1 क्या है भाई, तो S1 में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ RS, रिपोर्टेड स्पीच क्या, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट पर्सन है, तो वो चेंज करता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है। अब ये सारी चीज़ों को हम 1x1 एकदम आसान तरीके से आपको क्लियर करके सिखाएंगे कि कैसे इनका यूज़ करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। अब ये O2 क्या था भाई, तो यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू बुक कि ये जो सेकेंड पर्सन ऑफ आर एस ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये N3 क्या है भाई, तो N3 कहता है कि नो चेंज इन पर्सन। अब किसका पर्सन चेंज नहीं करता, तो ये थर्ड पर्सन। अब यदि थर्ड पर्सन हो तो इसके बारे में बताया जाता है कि वो चेंज नहीं करता, नो चेंज इन पर्सन। तो थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बातें समझ में आती नहीं, यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करके ले जाते हैं फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका जो भी केस होता है उसमें हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है उसी में हम लोग ऑब्जेक्ट को चेंज करके ले जाते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से यदि थर्ड पर्सन हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये चेंज नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसके लिए सीधा हम लोग बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हमने आपको वॉइस पढ़ाया था, तो हमने आपको वॉइस पढ़ाते हुए बताया था, समझाया था कि वॉइस के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले एक चीज़ ढूंढना होगा, क्या ढूंढना होगा, उसका मेन वर्ब, किसका, सेंटेंस का, गिवन जो भी सेंटेंस है आप सबसे पहले उसका मेन वर्ब पकड़िए, और मेन वर्ब ही आपको बता देगा कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, ठीक है। ऐसा हमने आपको बताया था, और मेन वर्ब का यूज़ करके ही आप देख रहे थे कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हम लोग क्वेश्चन देखते के साथ फटाफट बना लेते थे, ठीक है। इन द सेम वे नरेशन यदि आपको सीखना है, नरेशन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्या भाई, तो सबसे पहला आपको आना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब, क्या पकड़ना आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट और फिर उसका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवाते चलें कि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं RS, रिपोर्टेड स्पीच, ये है घर वाली और ये है बाहर वाली, ठीक है। और ये जो बाहर वाली है, तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इसका सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, तो आपको ढूंढना है मेन वर्ब,
और बाहर वाले का ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आइए इसका थोड़ा सा हम लोग मजा लेना यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले ये हमें ढूंढना होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। फिर इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आरएस में। आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इसमें जाना है, आपको चेक करना है पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? ये है सेकेंड पर्सन। ये क्या है? सेकेंड पर्सन। बस अभी फिलहाल आपको इतना ही ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या करना होता है। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने आपको क्या बताया, ही जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। ये जो बाहर वाली होती है, बाहर वाली का ये जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये कभी चेंज नहीं करता है। बाहर वाली का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो गिवेन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ही जैसे वैसे ही रहेगा। सेज को क्या लिखेंगे? तो सेज को हम लोग लिखते हैं टेल्स। सेज को क्या लिखेंगे? सेज को लिखेंगे टेल्स। अब ये टू का यूज़ इनडायरेक्ट में नहीं होता है, टू का यूज़ इनडायरेक्ट में कभी भी नहीं होता है, तो टू को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा लिखते हैं इसकी जगह हर। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके बदले हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे दैट। क्या यूज़ करते हैं? तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये आई चेंज करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, अब बोर्ड को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लीन करना चाहेंगे ताकि आपको समझा सके। तो हमने बताया आपको, या आप बचपन से जानते भी हैं कि आई क्या है, तो ये है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये था रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन चेंज करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए हम कलर चेंज करके भी आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखें कि ये क्या है, तो ये है वर्ब। ये क्या है? ये है वर्ब। वर्ब के पहले आई लिखा हुआ है, आई कौन से केस में चला गया? सब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस कहाँ पे है, तो आपको सब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब आई यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम नंबर वन में लिखा हुआ है, और आप देखिए ही कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। कॉलम दोनों का कैसा है? सेम है। दोनों यदि सेम कॉलम में हो, दोनों यदि सेम कॉलम में हो, तो सिंपली दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। तो अब देखिए, हम लोगों को पढ़ाया ये जाता है बुक के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पर्सन चेंज करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चूंकि दोनों का केस सेम है, तो इसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, आई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? तो आई की जगह अब हम लोग लिखते हैं ही। आई की जगह क्या लिखते हैं? तो आई की जगह लिखते हैं ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ही के साथ हेल्प नहीं लगाते हम लोग, क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं हेल्प्स। ही हेल्प्स। यू देखिए, सबसे पहले ये हर ढूंढिए, यू ढूंढिए। यू कहाँ लिखा हुआ है? वर्ब के बाद लिखा हुआ है। ये देखिए, वर्ब के बाद है मतलब ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये कॉलम नंबर फोर। ठीक है, तो यू कहाँ है? यू लिखा हुआ है यहाँ पे। यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हर कहाँ है? हर यहाँ पे। फिर देखिए, दोनों का कॉलम क्या है? सेम है। तो दोनों का कॉलम यदि सेम हो, तो सिंपली दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। तो यू को चेंज करेंगे हर से, मतलब हर को यहाँ से उठाएंगे वहाँ ले जाएंगे। तो हेल्प्स के बाद क्या लिखेंगे? हेल्प्स हर इन नीड। हेल्प्स हर इन नीड। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आपको पर्सन चेंज करना पहले सिखा रहे हैं हम। सबसे पहले आप पर्सन को चेंज करना सीख लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और उसके बाद बाकी सभी चीज़ों को सीखेंगे। नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सबसे पहला आपको पर्सन, सबसे पहला पर्सन चेंज करना आना चाहिए। पर्सन चेंज करना आ गया, समझ लीजिए 60-70% काम आपका हो गया। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और पर्सन चेंज करना आ जाए, तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे टेंस को चेंज करना। टेंस को चेंज करना सीख गए, तो समझ लीजिए 90% आपका नरेशन ओवर, 90-95% नरेशन ओवर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें फिर देखिए पर्सन चेंज करना है। सबसे पहले नरेशन को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये है डायरेक्ट में। कहाँ चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमने आपको क्या बताया, नरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। फिर क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद चलना है डबल इन्वर्टेड में।
यहाँ जाना है, यहाँ पर्सन चेक करना है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन, और ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। यदि आपको नरेशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके देखिए, हम जैसे आपको बता रहे हैं एज इट इज़ आप यूज कीजिए, और फिर आप देखिए आपको नरेशन के सारे क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों क्या, अभी एक दो क्लास में ही आप देखेंगे, आज के क्लास में ही आप देखेंगे कि नरेशन के क्वेश्चन फटाफट आपसे बनने लगे, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था या नहीं आता हो, जिसको पर्सन चेंज करना भी नहीं आता है, प्रोनाउन का टेबल भी याद नहीं हो, टेंस का स्ट्रक्चर भी याद नहीं हो, तो सबको आप लिख के सामने रखिए और जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप पेज को यूज कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ही को ही लिखेंगे, सेज को क्या लिखें, तो सेज की जगह लिखेंगे टेल्स, ठीक है। टू लिखना नहीं होता है, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हर और फिर यहाँ लगाते हैं दैट। यहाँ तक में आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। अब जो भी दिक्कत होता है यहाँ से दिक्कत होता है। अब ये देखिए हर कौन से केस में लिखा हुआ है, तो हर कहाँ पे है, यहाँ पे, हर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हर लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में। यू कहाँ है भाई, तो यू दोनों जगहों पे होता है। जैसे यू देखिए यहाँ सब्जेक्टिव केस कॉलम नंबर 1 में भी है, ऑब्जेक्टिव केस कॉलम नंबर 4 में भी है। कैसे समझे कि ये कब कौन से केस में, तो ये क्या है, ये है वर्ब, ये हेल्प क्या है, हेल्प है वर्ब, वर्ब के पहले अर्थात सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस अर्थात कॉलम नंबर 1, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हर लिखा हुआ है यहाँ पे और यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप हर को ले चलिए इसी कॉलम में, हर को ले चलिए इसी कॉलम में, यू वाले कॉलम में। मतलब ये कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग उसी कॉलम में उसी केस में चेंज करते हैं जिस केस में रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन लिखा होता है, ठीक है। तो ये यू कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, तो हर है ऑब्जेक्टिव केस में। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, होता है सी, जैसा कि आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं, ये हर है ऑब्जेक्टिव केस में, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट सी के साथ हम लोग यूज करते हैं हेल्प्स, सी हेल्प्स। अब मी, मी चेंज करेगा ही के अकॉर्डिंग। अब ही देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम क्लियर कर लें, तो ही कहाँ लिखा हुआ है, ही देखिए कहाँ लिखा है, ही लिखा है यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में, और किससे चेंज करना, मी के अकॉर्डिंग। मी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस ही को ले चलेंगे मी वाले कॉलम में, ठीक है। तो ही कहाँ है, कॉलम नंबर 1 में, सब्जेक्टिव केस इसको ले चलिए कॉलम नंबर 4 में, मी वाले में, ठीक है। तो इसके सामने आप लेके चलिए, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, हिम। तो ही की जगह हम लोग, सॉरी, मी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मी की जगह हम लोग लिखेंगे हिम। तो ही हेल्प्स हिम, ये रहा हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, ही सी हेल्प्स हिम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एकदम कूल होके आराम से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में देखिए फिर क्या है, सबसे पहले ये क्या है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे इस तरीके से आपको नरेशन को चेंज करना सिखा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप में से कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आप में से कुछ बच्चे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर हमारे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भाई, पढ़ना हम लोगों को आगे ऑब्जेक्टिव ही है, ये फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए हम आपको यहाँ पे सिखाने समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद चलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आरएस में चलते हैं, वहाँ हम लोग पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है, ये है सेकंड पर्सन, ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। बस बात खत्म, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इतना ही काम करना होता है। इतना आप इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, आप इसी तरीके से अपने कॉपी पे स्केच करना सीखिए। इतना यदि आप करना सीख जाते हैं तो आप में से ऐसे कोई भी बच्चे जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी उससे भी नरेशन के क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और आप फटाफट इसका आंसर करते हुए दिखाई देंगे थोड़े ही देर के बाद। तो सबसे पहले ही टेल्स, और फिर क्या लिख दिए, लिख दिए और फिर यहाँ क्या लगा दिए, यहाँ लगा दिए दैट, ठीक है। अब फिर से इस टेबल में आइए, इस टेबल में देखिए योर कहाँ लिखा हुआ है, योर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
और योर चेंज करेगा हर के अकॉर्डिंग। अब आपको फिर डाउट होगा कि हर यहाँ भी लिखा हुआ है, हर यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम कैसे माने कि ये कौन से केस में लिखा हुआ है हर। अब आप जरा देखें ये क्या है, तो ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये चला गया कॉलम नंबर फोर में। कहाँ चला गया? चला गया कॉलम नंबर फोर में। कहाँ चला गया? कॉलम नंबर फोर में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो हर को ले चलेंगे हम लोग कहाँ? यहाँ पे योर के कॉलम के सामने, ठीक है। तो योर के सामने ले चलिए, ये हर का क्या मिला? यहाँ पे हर। तो योर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे हर। तो यहाँ पे लिखेंगे हर सिस्टर, हर सिस्टर, ठीक है, हर सिस्टर। अब वो हर सिस्टर कैसी है? सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे हेल्प्स। अब मी और ही में आ जाइए। ही कहाँ लिखा हुआ है भाई? इसको फिर थोड़ा सा हम क्लीन करें। यहाँ पे देखिए मी कहाँ लिखा हुआ है? तो मी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ही कहाँ लिखा हुआ है? तो ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग मी को किस में लिखेंगे? मी की जगह लिखेंगे हिम। मी की जगह क्या लिखेंगे? हिम। क्यों लिख रहे हैं भाई? तो ही को ले चलना मी के कॉलम के सामने। तो ही को लेके चले मी के कॉलम में, मी के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है? हिम लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ मी की जगह क्या लिखेंगे? मी की जगह लिखेंगे हिम। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को हम लोग फटाफट यहाँ पे देखें, सॉल्व करते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट। यहाँ चले, ये रहा सेकंड पर्सन, ये रहा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले इसको हम लोग फटाफट यहाँ पे लिखते चले। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ही जैसे वैसे लिखेंगे। सेज की जगह क्या लिखेंगे? तो सेज की जगह हम लोग लिखते हैं टेल्स, ठीक है। टू का यूज़ होता नहीं, क्या यूज़ करते हैं? हर। और फिर यहाँ लिखते हैं दैट, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब ये योर, योर सेकंड पर्सन है, ये चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए आप देखिए यहाँ पे योर कहाँ लिखा हुआ है? तो योर यहाँ पे है, ठीक है। और देखिए हर कहाँ पे लिखा हुआ है? फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हर दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम कैसे समझें कि हर कौन से कॉलम में है? आप यहाँ पे फिर से देखिए, ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मीनिंग क्या होता है? कॉलम नंबर फोर। तो अब हर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और योर है यहाँ पे। तो आप हर को लेके चलिए योर के नीचे, ये देखिए आपको क्या मिला? तो आपको मिला हर, ठीक है। तो योर की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? योर की जगह लिखेंगे हर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर हेल्प्स, हर सिस्टर हेल्प्स। अब माई को चेंज करना है, तो इसको थोड़ा सा टेबल को हम क्लीन कर लें कि माई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा। आइए फटाफट इसको हम लोग समझते चलें। माई देखिए सबसे पहले लिखा कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। और ही कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। तो इस ही को ले चलिए उसी कॉलम में, उसी केस में जिस कॉलम में या केस में माई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा आंसर क्या बनेगा? ही को लेके चलिए माई के सामने, क्या मिला आपको? हिज मिला। क्या मिला आपको? यहाँ मिला हिज। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हिज, और फिर उसके बाद ब्रदर जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहेगा। तो ये आंसर बना हमारा हिज ब्रदर, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप इतने चीज तो पहचानना सीख गए होंगे। ये क्या है? ये सेकंड पर्सन। ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इतनी बातें आप सीख गए होंगे। हम इसको क्लीन करते हैं यहाँ से। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा ही हमने आपको सिखाया है और ऐसा ही आप सब लोग बचपन से जानते भी हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम फटाफट इसका आंसर लिखते चले। सी टेल्स हिम दैट। अब योर की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, योर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा योर आपका, ठीक है। हिम कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। हिम को ले चलिए आप इस कॉलम में, योर के सामने क्या मिला आपको? हिज मिला। तो योर की जगह क्या लिखेंगे? योर की जगह लिखेंगे हम हिज। हिज सिस्टर हेल्प्स। अब माई देखिए, यहाँ पे माई कहाँ पे लिखा हुआ है? माई कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, ये रहा माई आपका, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है? हिम, सॉरी सी। सी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सी को ले चलिए माई के सामने। सी को देखिए माई के सामने लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हर मिलेगा। तो हम माई की जगह क्या लिखेंगे? माई की जगह हम लिखेंगे हर, हर ब्रदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलते यहाँ से अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे फिर हम लोग देखें। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है। क्या नई चीजें सीखने को मिल रही है?
यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, अब तक हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन में देखिए ये होता था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता था और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर दिखाई पड़ रहा था। इसके पहले के सारे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वंस अगेन हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, देखिए सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका इनडायरेक्ट बनाना हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आई क्या है, तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई क्या है तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखिए ये, देखिए ये हिम क्या है, ये है थर्ड पर्सन, तो इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसको चेंज करने की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ आई को, ठीक है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, ई के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है। इसके पहले जब हम लोगों ने सीखा था कि से को चेंज करते हैं टेल में, से को चेंज करते हैं टेल्स में और सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। लेकिन कब कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन हो तब ऐसा चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब से को हम लोग टेल में कन्वर्ट नहीं करते, तो से को टेल नहीं लिखेंगे, सेज का टेल्स नहीं लिखेंगे, सेड का टोल्ड नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, यहां से अलर्ट हो जाइए क्योंकि इस पैटर्न के ज्यादातर क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एसएससी एग्जाम में आता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाले को बनाना हम लोगों ने सीख लिया, अब यहाँ से हम लोग नए पैटर्न का क्वेश्चन सीख रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको गिवन नहीं होता, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम आपको फिर से बताते चले, रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जो भी लिखा रहेगा उसी को एज इट इज हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेज, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर में भी लिखेंगे सेज, इनडायरेक्ट में भी क्या लिखेंगे सेज लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ लगाते हैं हम लोग दैट, ये दैट लगेगा हर बार, ठीक है। अब आई को क्या लिखेंगे, आई की जगह हम लोग लिखेंगे ही, अब ही के साथ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्प्स, ही हेल्प्स हिम, ही हेल्प्स हिम, क्योंकि ये हिम चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए इस पैटर्न के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ये रहा आपके सामने, आई हेल्प हिम, यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर हमारे सामने है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं करता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या बनेगा, तो आंसर सबसे पहले सी लिखे। अब चूंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ये जैसे वैसे ही हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिख दिए सेज, फिर इसके बाद हमने आपको यहाँ पे लगाया दैट, दैट के बाद फिर आई को किस में चेंज करेंगे, तो आई को चेंज करेंगे सी में, ठीक है। और सी के साथ क्या लिखेंगे, तो सी के साथ लिखेंगे हेल्प्स, और फिर ये रहा हमारा। अब देखिए ये हो क्या रहा है, आई को हम सी में कैसे चेंज कर दिए, फिर से आइए यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से सिखाते चले। ये आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोनों का कॉलम क्या है, सेम है, दोनों का कॉलम सेम हो तो सिंपली क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, दोनों का कॉलम सेम हो या दोनों का केस सेम हो, क्योंकि दोनों का दोनों कॉलम एक ही है, ठीक है। ये दोनों कॉलम नंबर वन में है, और ये जो कॉलम नंबर वन है ये किसका है, तो ये सब्जेक्टिव केस का है, दोनों का केस सेम है, सब्जेक्टिव केस में है, तो सिंपली इसको आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करें। अब इसके आगे आप और अलर्ट हो जाइए, ठीक है, अलर्ट हो जाइए, हम आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे अब तक हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आपको गिवन था, सेकेंड पर्सन इसमें एबसेंट था। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब गिवन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन प्रेजेंट हो।
तो उसका हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये अब इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखें, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सेस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हमने आपको जो बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का यदि अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते हैं, यही हमने आपको बताया। तो हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए, हमारा आंसर बनना चाहिए सी सेस, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है और इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं। आपको फिर से एक बार हम यहाँ पे अलर्ट करते हैं, बी अलर्ट, पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, पूरे कंसंट्रेट होके आप इसको देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब इसमें क्या होगा, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से हम आपको बताते चले। यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का अपना सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। लेकिन यदि किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन प्रेजेंट हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में इस रिपोर्टिंग वर्ब का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हम लोगों को मानना पड़ता है। आप ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी मान सकते हैं, प्रेफरेबल है, हालांकि प्रेफर भी नहीं करने की जरूरत है, आपके ऑप्शन में सारी चीजें गिवन होती है। आगे हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे अपने प्रीवियस ईयर एसएससी का, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में सब कुछ गिवन होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम आपको चूंकि सिखा रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे गिवन है टू मी, क्या गिवन होता है, टू मी गिवन होता है, ठीक है। अब जरा आ जाइए यहाँ पे, आप टू मी मान लेंगे, मानेंगे आप टू मी, आप मी के जगह हर भी मान सकते हैं, देम भी मान सकते हैं, अस भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आप मानने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों का जो एग्जाम है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं, वहां पे नीचे ऑप्शन गिवन होता है, तो जो ऑप्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको हम लोग बनाना शुरू करें। अब देखिए हम आपको यहाँ पे ये बता रहे थे कि यदि इसका जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग मानते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग इसका मानेंगे, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। जो माने हैं या तो हम इनडायरेक्ट में उसको मेंशन कर दें, लिख दें, या जो माना है हमने उसको हम इनडायरेक्ट में लिखे नहीं, उसको मन ही मन दबाए रखें, ठीक है। तो दो तरीके से, अब आप यदि जो माने हैं उसको लिखेंगे, तो जैसे ही आप इस मी को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन हो गया, ऑब्जेक्ट जब मेंशन हो जाएगा तो इससे को हम लोग चेंज कर देंगे टेल में, तो सेस का क्या लिखेंगे, तो सेस का हम लोग लिखेंगे टेल्स, सेस का क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, सी टेल्स मी, सी टेल्स मी, अब यहाँ लिखेंगे दैट, सी टेल्स मी दैट, अब आई का क्या लिखेंगे, आई का फिर से हो जाएगा सी, आई का क्या हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों का कॉलम क्या है, सेम है, ये आई है और ये सी है, दोनों का कॉलम क्या है, सेम है, तो सेम है तो सिंपली क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, तो आई का हो गया सी, अब सी के साथ क्या यूज करें, तो सी के साथ हम लोग यूज करेंगे सी हेल्प्स, ठीक है। अब ये यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट हमने माना था उसके अकॉर्डिंग, अब ये देखिए यू कहाँ है, यू वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस में, और मी कहाँ है, ये भी यहाँ पे है, दोनों का कॉलम क्या है, सेम है, दोनों का कॉलम केस दोनों सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को एक दूसरे से आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, यू की जगह हम लिखेंगे मी, यू की जगह क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। अब यदि मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे मी की जगह कुछ और माने होते, हम यदि मी की जगह यहाँ पे मान लीजिए कि हम माने होते देम, हम यहाँ पे माने होते देम, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से मी की जगह लिखते यहाँ पे देम, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से आइए हम लोग इनको और अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए ये सेकंड पर्सन, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और ये फिर से क्या है, ये सेकंड पर्सन, तो ये देखिए ये सेकंड पर्सन और ये सेकंड पर्सन, ये दोनों को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसका जो भी ऑब्जेक्ट हम मानेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस बार मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट मान लिया टू अस, टू अस, हमने ऑब्जेक्ट मान लिया टू अस, ठीक है। अब चलिए अब फिर इसका दो प्रकार से बनाएंगे, पहला तरीका कि जो माने हम उसको लिख रहे हैं, तो जब लिखेंगे तो क्या होगा, जब लिखेंगे ये अस हम लिखेंगे तो हम से को किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा टेल्स, सी टेल्स अस, सी टेल्स अस दैट, सी टेल्स अस दैट। अब ये यू, यू का क्या हो जाएगा भाई,
यू कौन से केस में, यू है सब्जेक्टिव केस, यू है सब्जेक्टिव केस, ये देखे यू है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, क्यों, क्योंकि ये हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब देखे ये टू अस, ये अस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस अस को ले चलिए इस केस में, यू वाले केस में ले चलिए, तो यू के सामने देखिए अस का, यू के सामने क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वी, वी हेल्प, वी हेल्प, माई का क्या हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हर। अब फिर देखिए माई का हर कैसे हो रहा है, ये यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसके लिए फिर से आप इस टेबल में देखिए, माई कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे माई कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। अब माई चेंज करेगा किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। अब सी को ले चलिए माई के नीचे, माई के सामने, माई वाले केस में। तो ये देखिए कॉलम नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, सी के सामने हर, ठीक है। तो हम लिखेंगे हर, हर सिस्टर, हर सिस्टर, एंड एंड सी जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, एंड सी हेल्प्स, एंड सी हेल्प्स योर ब्रदर। अब फिर देखिए ये योर ब्रदर, योर कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे योर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो योर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, अस के अकॉर्डिंग, अस कहाँ पे, यहाँ पे, तो अस को ले चलिए, इसमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो हम लिखेंगे हेल्प्स आर ब्रदर, हेल्प्स आर ब्रदर, हेल्प्स आर ब्रदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है सर ये तो आप वो वाला तरीका बताया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, यदि ऑब्जेक्ट नहीं लिखना हो तो क्या करेंगे। भाई देखिए यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना हो, आपने ऑब्जेक्ट माना तो है, मानना तो आपको पड़ेगा। यदि आपको ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करना हो, हमें यहाँ पे इस अस का यूज नहीं करना हो, तो यदि हम अस का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे टेल्स नहीं लिखेंगे, टेल्स नहीं लिखेंगे। हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेज, क्या लिखना पड़ेगा, सेज ही लिखना होगा, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर ठीक है आपने वो तरीका तो बताया जिसमें देम हम माने थे, तो यदि हम देम माने थे तो यहाँ मी नहीं होगा, यहाँ देम माने थे तो यहाँ हमें देम ही लिखना होगा। इसके पहले हमने यहाँ पे मी माना था तो मी हमने लिखा था, ठीक है। लेकिन अब जो भी आप माने हैं यदि उसको नहीं लिखना हो, ठीक है, ये तो तब जब लिखना था तो हम से को टेल में कन्वर्ट कर दिए, जब हमें इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमने माना है, यदि उसे हमें यहाँ पे नहीं लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, ना तो हम इस ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और ना यहाँ पे से का टेल लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जैसे वैसे ही यहाँ पे कॉपी हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे वैसे ही कॉपी हो जाता है, बाकी चीजें एज इट इज। जैसे यहाँ पे देम माने हैं तो हम देम ही लिखेंगे, मी माने थे तो मी ही लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इनके आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखिए अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा, देखिए अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा, इन सारे क्वेश्चंस में देखिए हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसका टेंस क्या था, तो उसका टेंस था प्रेजेंट, उसका टेंस क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। अब हम लोग देखें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, फ्यूचर में कैसे हो जाता है भाई, तो सेल विल के साथ लगा हुआ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसी को मानते हैं हम लोग फ्यूचर में, किसमें मानते हैं, फ्यूचर मानते हैं, ठीक है, फ्यूचर डिफरेंट मानते हैं। अब ये देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये विल हमारा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले या ठीक बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ हो उसका जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके मेन वर्ब को ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इसका मेन वर्ब क्या ऐसे है, तो रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, लेकिन सेकंड पर्सन चेंज करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इस बार हम लोग मान लेते हैं टू हर, ठीक है, टू हर। अच्छा चलिए हर की जगह हम हिम मान लेते हैं, हर की जगह इस बार हम मान लेते हैं यहाँ पे हिम, ठीक है। अब दो तरीके हमारे पास, या तो हम हिम को लिख दे या तो हम हिम को नहीं लिखे। अब इस बार हम दोनों तरीका से लिख रहे हैं, पहले जो माने उसको लिखने वाला तरीका, तो यदि जो माना है हमने उसको लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हम से को कन्वर्ट कर देंगे टेल में, सी विल टेल, सी विल टेल हिम, सी विल टेल हिम, ठीक है। दूसरा तरीका, जो माना है हमने हमें उसे नहीं लिखना हो, तो जो हम माने हैं यदि हम उसको नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी विल से, यही हमने आपको बताया। अब इन दोनों में से आप चाहे जैसे भी यूज कीजिए, इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा दैट। अब दैट के बाद यू चेंज करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग माने उसके अकॉर्डिंग, यू कहाँ पे है, ये सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे है, ठीक है। हिम कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो हिम को ले चलिए यू वाले केस में।
तो यू वाले केस ये कॉलम में गए हम लोग, तो यहाँ देखिए यू के सामने क्या मिल रहा है, ही वाले फैमिली में यहाँ मिल रहा है ही, ठीक है। तो हिम का हो गया ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट के बाद ही, दैट के बाद लिखेंगे ही। अब ही के साथ क्या लिखेंगे, रीड्स, ही रीड्स। अब माई, फिर से देखिए माई को कैसे चेंज करना है, एक बार फिर आइए इसको भी सीखे हम लोग। अब देखिए माई कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, हिम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हिम, तो हिम को ले चलिए इसमें, माई के सामने आइए, माई वाले किस में आइए, माई वाले कॉलम में आइए, यहाँ क्या मिला आपको, हिज मिला, ठीक है। तो अब यहाँ क्या यूज करेंगे, हिज, हिज बुक, ये हो गया आंसर, बात समझ में आ गई। आइए फ्यूचर का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, इसमें सेकंड पर्सन गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए तो सिंपल है, अब दो तरीका है, या तो हम ऑब्जेक्ट मान लें या तो हम ऑब्जेक्ट नहीं माने, ठीक है। तो इस बार हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को टू यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो आपको मानना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मान लिए, अब ऑब्जेक्ट को हम लिख भी सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं भी लिख सकते, दोनों तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई सेल टेल यू, जो माना है हमने उसको लिख दिया हमने, और दूसरा तरीका जो माना है अब हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ, तो आई सेल से, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दैट, आई सेल से दैट, ठीक है। अभी आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, आई के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये आई यहाँ पे है और उसको चेंज भी करना है आई के अकॉर्डिंग। तो यदि दोनों सेम वर्ड हो तो दोनों में कहीं कोई चेंज नहीं होता, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा तो भी वही रहेगा, तो आई चेंज करेगा आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, आई ही रहेगा। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रीड लिखेंगे, ठीक है। अब दिस बुक का, दिस बुक नहीं लिखेंगे, दिस बुक, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब तक यहाँ तक, अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन पे, जैसे आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो इसको सीखने के पहले हम लोगों ने अब तक जो सीखा उसका कंक्लूजन क्या निकला, देखिए इसका कंक्लूजन ये निकला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो सर्टेन वर्ड है वो चेंज नहीं करते, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम यहाँ पे आपको लिखवा भी रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, देन द टेंस एंड अदर स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन द टेंस एंड अदर स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में होगा कैसे जब यहाँ सेल विल नहीं लगा रहेगा, फ्यूचर में होगा कैसे जब यहाँ पे सेल विल लगा हुआ रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और कुछ अदर वर्ड्स चेंज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये पास्ट में होता तो दिस का हमें बनाना पड़ता, दैट, ये सारी चीजें कब चेंज करेगी, जब सेंटेंस आपका चला जाएगा पास्ट, ठीक है। तो आइए अब इनको सीखने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आइए फटाफट लगाते चले। यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को क्या करना होता है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है हमारा, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है तो ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है तो ये हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इसमें गिवन नहीं है, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें मानना होगा, तो ऑब्जेक्ट हमें मानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए सब में दैट होना चाहिए, दैट है, तो इसमें दैट नहीं है, कैंसिल हो गया, इसमें दैट नहीं है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए सेज ही लिखा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट लिखा होता उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू का कोई ऑब्जेक्ट, इस रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट तो माना गया होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट माना गया होगा, जो भी ऑब्जेक्ट माना गया होगा उसी के अकॉर्डिंग यू चेंज करेगा। अब यहाँ पे देखिए यू की जगह क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, यू की जगह क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर सी लिखा हुआ है तो इसका टेंस क्या है, इसका टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये सेज क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अर्थात इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट। तो हमने आपको क्या बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको क्या लिखवाया, हमने आपको बताया और लिखवाया भी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करता, ठीक है। अब टेंस सबसे पहले चेक कर लीजिए, ये सेल विल लगा हुआ है, सेल विल लगा हुआ है अर्थात ये फ्यूचर में है, ये देखिए उड, तो विल का पास्ट होता है उड, विल का पास्ट क्या होता है उड, तो ये तो होगा नहीं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी पहले से कैंसिल था, अब ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, बिल लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर, अर्थात हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके बाद के क्लासेस से, अर्थात हम लोग अपने नरेशन के सेकेंड क्लास से, आप देखेंगे नरेशन के क्वेश्चन को कितने मजे में, कितने आसान तरीके से फटाफट हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, अगले क्लास में एक और चीज हम लोग सीखेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर कोई नाउन गिवन हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन गिवन हो, या दोनों में से कोई भी एक नाउन गिवन हो, और इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हो, और यहाँ पे कोई नाउन गिवन हो, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन फटाफट हम लोगों से उड़ते चलेंगे। फटाफट मतलब क्वेश्चन देखे नहीं, फट से सॉल्व, जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अर्थात नरेशन के पार्ट टू से हम लोग सीखना शुरू करेंगे और क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।